हाय वर्स, आप देख रहे हैं स्विंग आइडियाज प्लस। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही आसान तरीके से शलवार की कटिंग, और ये मैं आपको सिखाऊंगी कुंदों के बगैर, और बिगनर्स भी इसको बहुत आसानी से स्टिच कर सकती हैं। तो वर्स, इसके लिए हम इस तरह जो है कपड़े को फोर फोल्ड रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह रखने के बाद हमेशा की तरह, जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा वीडियो को कंप्लीट करके रखती हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखाऊँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक इंच पोंछे का निशान लगा लिया है। जो नीचे से हम इसके पोंछे बनाएंगे वो मैंने निशान इतना कपड़ा छोड़ लिया है। उसके बाद हम 7 इंच का बेल्ट रखेंगे, तो बेल्ट का इस तरफ से निशान लेके हम तो ये लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसकी लेंथ है 39 इंच। हाफ इंच हम लेंगे जो हम सिलाई के अंदर इसको दबाव लेंगे। इस तरह लेने के बाद हम इसको एक निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। ये देखिए वर्स, हमने ये निशान लगा लिया है, अब हम इसको कट करेंगे। देखिए वर्स, हम इसको कट कर लेंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया है पूरी यूट्यूब पे, आपको ये तरीका नहीं मिलेगा। बहुत ही मैंने आसान तरीके से कोशिश की है आपके लिए वीडियो बनाने की। तो ये हम देखिए व्यूअर्स, हमने इसको हटा दिया। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें इसकी जो है थाई का जो है ना इशू होता है और वो हमें ज़्यादा चाहिए। तो फिर देखिए, हमारे पास हमेशा जो होता है कपड़ा वो इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके लिए भी आज मैं आपको आइडिया दूंगी। तो व्यूअर्स देखें, हम क्या करेंगे कि ऊपर से 7 इंच का बेल्ट और 22 इंच पे जो घुटना होता है, हम ये निशान लगाने के बाद 22 इंच पे घुटने का निशान लगा लेंगे। निशान हम थोड़ा सा इस तरह लगाएंगे कि ऊपर कपड़े भी दिखे ना। ये देखें कि 22 इंच का ऊपर से करके मैंने घुटने का निशान लगा लिया। अब हमने जो शलवार का जो घुटना था, जिनकी मैं ये शलवार बना रही हूँ उनका घुटना 16 इंच था, तो वैसे हम इसको 17 इंच पे इस तरह निशान लगा लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रही हूँ मैं आपको। बहुत सारे कस्टमर की ये कंप्लेन होती है कि हमें घुटने से शलवार जो है वो टाइट हो रही है, पांचा टाइट हो रहा है। तो पांचे का भी निशान आप इसी तरह लगाएं, 7.5 पे निशान है इसका, 7.5 इंच तैयार है, और हम इसको 8 या 8.5 पे कट कर लेंगे। 1 इंच का रख लें आप, 8.5 पे कट कर लें आप इसको। इस तरह करके वर्स हम इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह आप इसको मिला लेंगे। इसको शलवार की जो है ना एक शेप दे दें। देखिए अब हमने इसको इस तरह ये देखिए मिला लिया। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए बस, ये हमने इसको कट कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी थाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी कपड़े से हम इसकी थाई को बढ़ा देंगे और हमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं चाहिए। तो वर्स हम करेंगे कुछ इस तरह। देखिए वर्स, ये जो कपड़ा हमने नीचे से निकाला था, हम इसको यहाँ पे रख लेंगे कुछ इस तरह। इस तरह रख लें, फिर हम इसको कट करेंगे। ये देखिए वर्स, हम इस थाई को कितना बढ़ा सकते हैं। अब उनकी जो थाई थी तकरीबन 20 थी, और ये देखिए वर्स, हमने इसको कितना बढ़ा लिया, 26 इंच। हमने इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा लिए। ये एक्स्ट्रा लार्ज शलवार जो है उसका नाम है। तो व्यूअर्स, बताने का मतलब ये है कि हम इसको इस तरह बढ़ा सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने 7 इंच का बेल्ट है, हमने यहाँ रखा 7 इंच का बेल्ट और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कि हम ऊपर से कट कर लेंगे इसको। अभी मैंने कट नहीं किया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमने दबाव लिया 1/2 इंच, और ये हमने किया, और यहाँ पर हमने इसका निशान लगा दिया। ये 16 इंच इसका आसन है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और यूँ करके हम इस पर निशान लगा दें। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ से कट करना है और इसको इस तरह हाथ की मदद से निशान लगा के, ये देखिए निशान आ गया। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। हम इसको कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बस, हमने इसको कट कर लिया है, फिर भी हम इसको अच्छे से इसका वो करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ये देखें तो ये आ गया, ये देखिए 16 इंच। अब मैं इसको इस तरह नहीं कट करना चाहती, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगी। ये देखिए इस तरह, अब हम इसको फिर नापेंगे। ये देखिए, ये हो रहा है बहुत ज़्यादा,
आप इसको सही करने के लिए अब हम इसको इस तरह भी कट करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह सही आ जाएगा। देखिए आराम से ये 17 इंच पे आ गया। हम इसका ये वाला कोना छांटेंगे तो ये फिर 17 इंच पे आ जाएगा और यहाँ से हम इसको छांटते हैं। ये देखिए इस तरह मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए बस हम इसको बंद ही यहीं पे कट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए बस ये हमने इसको कट किया। ओके हमने 7 इंच पे नापा और ये 17 इंच पे बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब हम जरा सा इसको यहाँ से ये देखिए शेप दे दीजिए। मैंने एक्स्ट्रा ही रखा था। जब हमें ये आसन डालना होता है तो हमें थोड़ा सा शलवार को एक्स्ट्रा कट करना होता है। देखिए ये हमने निशान लगाया था ये वाला, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कट किया था। अब ये देखिए बस हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ से जोड़ने के बाद हम फिर 7 इंच पे इसका निशान लेंगे तो ये देखिए 18 इंच पे आ रहा है। आप थोड़ा सा यहाँ से छांट दें। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम इसके अंदर ये जॉइंट जो है जोड़ लगा सकते हैं। ये देखिए बस 17 पे आ गया। हमें 16.5 पे हम इसको दबाव में ले लेंगे इस तरह। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि हम थाई किस तरह करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जहाँ तक हमने पहुँचा इसका बनाना है वहाँ पे एक कट लगाएंगे जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था इसको हम साइड पे करेंगे। और ये देखिए व्यूअर्स ये हमारे पास बेल्ट का कपड़ा रह गया है। काफ़ी अच्छा कपड़ा था, इसमें काफ़ी हमें मिल गया है। ये इसका कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको खोलेंगे। हमें तकरीबन 26 इंच का जो है बेल्ट चाहिए। 25 पे हमने इसको रेडी रखना है। 12.5 पे इसको लेंगे। 12.5 होते हैं 25। हम इसको 25 पे तैयार करेंगे। देखिए बस ये हम इसको 13 पे ले लेते हैं। बेल्ट 1 इंच में ज़्यादा ही रखती हूँ। ये हमने 13 पे ले लिया। इसको 13 पे लेने के बाद बस हमने इसको 7 इंच पे रेडी करना है। तो करेंगे हम कुछ इस तरह कि ये देखिए 7.5 पे हम एक निशान लगाएंगे। ये देखिए बस निशान लगाने के बाद हम इसको ये जो ऊपर का लास्टिक का एरिया है उस पर हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए बस इसी तरह हम दूसरी तरफ भी हाथ से जमाते हुए निशान लगा लेंगे। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। उनको ये कंप्लेन होती है कि हम जब लास्टिक लगाते हैं तो एक तरफ से बेल्ट छोटा बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम एक यहाँ पे निशान लगाएंगे लास्टिक वाले हिस्से में। और ये देखिए व्यूअर्स हमारा बेल्ट रेडी। ये देखिए व्यूअर्स मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये हम इसको चुन में ले लेंगे। और ये देखिए हमारी शलवार पे कितना बेहतरीन हमारी जो है ये शलवार कट के तैयार हो चुकी है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी। इसी के साथ मैं कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।